नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा। दोस्तों, आज आपके लिए हमने उन प्रश्नों का चुनाव किया है या वो प्रैक्टिस सेट में उन प्रश्नों को रखा हुआ है जो पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं या उनके आने की प्रबल संभावना है। इस प्रैक्टिस सेट में या जितने भी हम आपको इस समय प्रैक्टिस सेट उपलब्ध करा रहे हैं, उन प्रैक्टिस सेट में एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आलतू फालतू का या एक्स्ट्रा रखा गया हो आपके बिना ज़रूरत के हिसाब से, तो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आज का वीडियो शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। दूसरा, हमारे आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, डॉक्टर नोट्स आप सर्च करेंगे डॉक्टर नोट्स तो आप वहां से जुड़ सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक उपलब्ध करा दिया जाएगा, आप वहां से जुड़ सकते हैं, आपको नोट्स मिल जाएंगे, आपको मंच मिल जाएगा क्वेश्चन डिस्कशन का, तो काफ़ी महत्वपूर्ण आपके लिए वो मंच होगा। तो शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन पैलीमोन हास्टेट प्लेट इज फाउंड इन, पैलीमोन में हास्टेट प्लेट किस में पाया जाता है, बताएगा मिडगट, हिंडगट, पाइलोरिक स्टोमक या कार्डियक स्टोमक, किस में पाया जाता है। तो आपके सिलेबस में पैलीमोन दिया हुआ है और उसी का क्वेश्चन भी है, तो हम आपको बता दें इसका सही आंसर क्या होगा। तो पैलीमोन के आमाशय में दो कक्ष होते हैं, पाइलोरिक और कार्डियक। कार्डियक भाग के नीचे की तरफ मध्य अधर सतह पर एक कड़ी सी त्रिकोणाकार संरचना होती है जिसे हम हास्टेट प्लेट के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन क्या सही होगा, डी ऑप्शन, इसका हम क्या सही लगाएंगे, डी ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नया क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। नया क्वेश्चन कह रहा है, इन मैन द स्पीड ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ ए पर्टिकुलर टेस्ट विद द प्रोट्रूडेड टंग कंपेयर टू द टंग इज, स्तनधारी में सामान्य जीवा की तुलना में विकृत जीवा से स्वाद का निर्धारण की दर होती है, कैसा होता है, धीमा, फास्टर, अनचेंज्ड, इनिशियली फास्टर देन स्लोवर, प्रारंभ में तेज बाद में धीमा। तो दो का सही आंसर क्या होगा, तो स्तनधारियों में सामान्य जीवा की तुलना में विकृत जीवा से स्वाद का निर्धारण प्रारंभ में तेज और बाद में धीमा हो जाता है, तो ऑप्शन इसका डी सही होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कोई भी क्वेश्चंस में आपको समस्या है या लगता है कि इसका आंसर आपके अनुसार नहीं है तो उसका स्क्रीनशॉट लेके आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल सकते हैं, हमारे द्वारा या हमारे किसी अन्य मित्र के द्वारा उसका आंसर आपको उपलब्ध कराया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नया क्वेश्चन क्या कहता है, फ्लेम सेलार ज्वाला कोशिकाएँ होती हैं, क्या होती हैं। तो फ्लेम सेल आपको इस तरीके से, जब आप पिक्चर इसका देखेंगे तो ये इस तरीके से ऐसे ऐसे करके ऐसे दिखाई देती हैं और यहाँ सीलिया ये इस तरह से पाए जाते हैं ये। तो फ्लेम सेल का मुख्य कार्य क्या है तो बताइएगा, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन, सेंसरी या इन्फ्लामेंट्री। तो उसका सही आंसर थ्री का क्या है, तो थ्री का फ्लेम सेल का मुख्य कार्य उत्सर्जी अंग होता है, तो ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स आ जाएगा। द नंबर ऑफ अमीनो एसिड रेसिड्यूज इन द बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, हीमोग्लोबिन अणु के बीटा श्रृंखला में अमीनो अम्ल की संख्या होती है, तो कितनी होती है आप बताएंगे। तो चार का सही ऑप्शन क्या होगा, तो हम आपको बता दें हीमोग्लोबिन जो अणु होता है अपने जो हमारे ब्लड से संबंधित है, तो हीमोग्लोबिन में अणु दो अल्फा चेन और बीटा चेन से बना होता है, अल्फा चेन श्रृंखला में 141 अमीनो एसिड होते हैं, तो अल्फा चेन में कितने होते हैं, तो अल्फा चेन देखिए दो से बना होता है अल्फा और बीटा, अल्फा चेन में जो अमीनो एसिड की संख्या होती है 141 होती है, बीटा में कितनी होती है आप बताएंगे, तो बीटा चेन में होती है 146। तो देखते हैं आंसर क्या होगा इसका, चूंकि बीटा से संबंधित क्वेश्चन पूछा है तो 46, अगर अल्फा होता तो 141। तो ध्यान रखिएगा दो चेन्स होती हैं अल्फा और
बीटा, अल्फा में 141 अमीनो एसिड होते हैं और बीटा में जो होते हैं 146 अमीनो एसिड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नया क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। स्टेरॉयड हार्मोन बाइंड टू, स्टेरॉयड हार्मोन बांधते हैं किसको, कोशिका झिल्ली की उपस्थित ग्राही को, रिसेप्टर प्रेजेंट द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, डीएनए इनसाइड द न्यूक्लियस, इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर प्रोटीन्स, तो किसको बांधते हैं बताइएगा। तो पांच का सही आंसर क्या होगा, स्टेरॉयड हार्मोन ग्राही कोशिका की झिल्ली पर उपस्थित रहते हैं। स्टेरॉयड हार्मोन सीधे केंद्रक में अपनी सूचना नहीं भेज सकते हैं, उदाहरण के लिए इसे एड्रिनल से संबंधित है, तो इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नया क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। नया क्वेश्चन कह रहा है, मेन मेथड्स ऑफ फैटी एसिड ऑक्सीडेशन इन ए सेल इज, एक कोशिका में बसी अम्ल के ऑक्सीकरण की मुख्य विधि कौन सी है, तो वो कौन सी है, केल्विन साइकिल है या पीपी है या बीटा ऑक्सीडेशन है या एमर्डन मेयर हाफ पाथवे है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, छः का। तो आप बताएं, तो छः का हम आपको सही आंसर क्या होगा, बीटा ऑक्सीडेशन, क्या होगा, बीटा ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन मैमल्स कंट्रोल द मस्कुलर कोऑर्डिनेशन, तो एक क्वेश्चन आता है, शराब पीने से मस्तिष्क का कौन सा भाग प्रभावित होता है, तो सेरेबेलम होता है, कौन सा होता है, तो सेरेबेलम। तो इसका पहले आंसर देख लेते हैं, हम कौन कौन से ऑप्शन दिए हैं तब आंसर हम लोग कर सकते हैं। तो अभी आप देख रहे थे सेरेब्रम था, अभी दूसरा है सेरेबेलम, तीसरा है मेड्यूला और चौथा है कार्पस कैलोसम। तो अभी हमने आपको बताया था जो सेरेबेलम होता है ये भाग क्या होता है, मस्कुलर कोऑर्डिनेशन में पार्टिसिपेट करता है। ये क्वेश्चन और बनता है कि जब व्यक्ति शराब या मदिरा पान करता है तो उसका कौन सा ब्रेन का पार्ट इफेक्टेड होता है, प्रभावित होता है, तो सेरेबेलम, ये क्योंकि जो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन होता है वो नहीं हो पाता है, तो आदमी चाहता कुछ है, करता कुछ है, तो देखना चलता है तो कहीं पैर इधर पड़ते हैं, कहीं इधर पड़ते हैं, बोलना कुछ चाहता है, बोलता कुछ है, लड़खड़ाता है, तो मसल कोऑर्डिनेशन संबंधित है। विच ऑफ दीज आर नॉट डाइजेस्टेड इन बकल कैविटी, बकल कैविटी में क्या डाइजेस्ट नहीं होता है, तो बताइएगा, ग्लूकोस, प्रोटीन, विटामिन या ये सभी। तो आप आठ का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, तो हम आपको बता दें कि वसी अम्ल व प्रोटीन का पाचन मुख गुहा में नहीं होता है, तो इसका आंसर क्या सही होगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या इसका, वैसे तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, ग्लूकोज में से माल्टोज वाला जो सिस्टम होता है वो होता है, तो विटामिन्स भी क्या मुख गुहा में पाचित होती है, ये हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। इसको ज़रा बताइए, क्या विटामिन्स माउथ में पचती है बकल कैविटी में, तो ये ज़रा हमें आप कमेंट्स करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नया क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। लैक्टिपल्स संबंधित है, लैक्टियल्स लिखा हुआ है, लैक्टियल्स आर एसोसिएटेड विथ लैक्टिक अम्ल के श्रावण से, वसा के अवशोषण से, दुग्ध के उत्पादन से या उपरोक्त सभी, तो नाइन का सही आंसर क्या होगा, आप बताएं हमें। लैक्टियल्स वसा एवं ग्लिसराल के अवशोषण से संबंधित होता है, तो हम इसका ऑप्शन क्या लगाएंगे, एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट, तो इसका ऑप्शन हम बी लगाएंगे। डक्टस बुटेली इज प्रेजेंट इन, डक्टस बुटेलिस उपस्थित होता है, तो डक्टस जो बुटेली होता है वो किस में उपस्थित रहता है, राना में, स्केलियोडॉन में या लेब्डोसायरॉन में या सेरेटोटाडस में, तो ये चारों ऑप्शन में से सही ऑप्शन क्या होगा, तो डक्टस बुटेलिस राना टिग्रीना में उपस्थित होता है, यह रक्त परिसंचरण के लिए आवश्यक होता है, तो ऑप्शन इसका हम क्या लगा देंगे, ए, राना टिग्रीना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नया क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज फाउंड इन, वाटर वेस्कुलर सिस्टम किस में पाया जाता है, हाइड्रा में, स्पंज में, अर्थवर्म में, स्टारफिश में, तो किस में देखने को मिलता है, तो बताइएगा आप किस में देखने को
मिलता है। तो इकाइनोडर्मेटा की जटिल संरचना जो सीलम या इंटेरोसील तथा इसके व्युत्पन्न विशिष्ट संरचनाएं होती हैं, इनमें पाया जाने वाला जलीय परिवहन तंत्र प्रचलन, भोजन ग्रहण, श्वसन उत्सर्जन में सहायक होता है। तो स्टारफिश इसका इकाइनोडर्मेटा के साथ डी सही होगा। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एनस अब्सेंट, एनस किस में अब्सेंट होगा तो बताइएगा, राउंड वर्म में, अर्थवर्म में, फ्लैट वर्म में, तो किस में अनुपस्थित होता है बताइएगा एनस। तो 12 का जो सही नंबर होगा 12 का वो क्या होगा, तो संघ प्लेटी हेलमिंथिस के जंतु में फीता क्रम में गुदा नहीं पाया जाता है, प्रोटोनेफ्रिडिया उत्सर्जी अंग का कार्य करता है। तो ऑप्शन इसका हम लगा लेते हैं डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नया क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। नया क्वेश्चन पूछ रहा है, इन मेल पैलीमोन अपेंडिक्स इंटरना इज फाउंड इन, इंटरना किस में पाया जाता है, तो सेकेंड एब्डोमिनल अपेंडेजेस एलॉन, सेकेंड एंड फिफ्थ एब्डोमिनल अपेंडेज एलॉन, फर्स्ट एब्डोमिनल अपेंडेज और सेकेंड एंड फिफ्थ एब्डोमिनल अपेंडेज, तो किस में देखने को मिलता है। 13 का सही आंसर करिएगा। तो जो पैलीमोन आर्थोपोडा संघ के क्रिस्टेसिया वर्ग के अंतर्गत आता है, यह सामान्यतः झींगा के नाम से जाना जाता है। नर पैलीमोन में अपेंडिक्स इंटरना केवल सेकेंड एब्डोमिनल उपांग में पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो आप सब देख रहे होंगे आंसर हम लगाएंगे इसका फर्स्ट, सेकेंड एब्डोमिनल अपेंडिज एलॉन। ऑक्टोपस बिलोंग टू द क्लास, किस क्लास को ऑक्टोपस बिलोंग करता है, तो ऑक्टोपस क्या होता है, एक मोलस्कन होता है, ध्यान रखिएगा कैस में आता है, मोलस्का में आता है, तो ये किसको बिलोंग करता है। तो 14 का सही आंसर होगा क्या, ऑक्टोपस सामान्य भाषा में डेविल फिश कहते हैं, ये मोलस्का संघ का जंतु है, ये समुद्री मांसाहारी जंतु है, इसमें कवच नहीं होता है, अर्थात ये मृदु कवची जंतु है, ये सिफेलोपोड मोलस्का है। तो चूंकि यहाँ क्लास देखिए, यहाँ गलती हो जाती है अक्सर, आप फटाक से लगा देते हैं मोलस्का, जबकि मोल जो क्लास सही होगा वो सिफेलोपोडा होगा, क्या होगा सिफेलोपोडा, मोलस्का का क्लास सिफेलोपोडा है, तो ऑप्शन इसका डी सही लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नया क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। तो क्वेश्चन दिया है, इसिंग्लास इज ऑप्टेन फ्रॉम अभ्रक पाया जाता है, तो मछलियों में पाया जाता है, किसमें पाया जाता है मछलियों में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लंग फिश, इनमें से लंग फिश कौन सी नहीं है, नियोसिरोटर्स, प्रोटोप्टरस, लेप्डोसाइरन, तो कौन सी नहीं है, ये तीन है। तो 16 का सही आंसर क्या होगा, तो वो होगा बी, ये नहीं है, ध्यान रखिएगा। सार्डिनेला एक लंग फिश नहीं है, जबकि नियो सिरेटोडस और प्रोटोप्टेरस और लेप्डोसाइरन आदि लंग फिश है, किस श्रेणी में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नया क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। व्हाट इज ट्रू अबाउट आर्कियोपिटेरिक्स, आर्कियोपिटेरिक्स के लिए क्या सही, ट्रू अबाउट आर्कियोपिटेरिक्स के बारे में क्या सत्य है, कनेक्टिव लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड मैमल्स, तो ये गलत है। फॉसिल्स ऑफ सीनोजोइकिरा और फ्लाइंग डायनासोर्स, कनेक्टिव लिंक बिटवीन रेप्टाइल एंड बर्ड्स, तो ऑप्शन इसका डी सही होगा। ध्यान रखिएगा आर्कियोपिटेरिक्स के माउथ में जबड़े पाए जा रहे थे चोंच के अंदर, और इनके जो फिंस थे मतलब पंख थे वो स्केली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नया क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। जंपिंग जीन अकर इन, तो जंपिंग जीन किस में देखने को मिलते हैं, तो इसका सही आंसर क्या होगा 18 का, तो 18 का सही आंसर बताइए बैक्टीरिया ओनली। जंपिंग जीन्स या ट्रांसपोजन जीन्स की खोज किसने की थी, माइक क्लिंटक ने, डीएस ओएसडीएस या ऐसे कुछ है फिनोमेना किसने दिया, तो माइक क्लिंटक ने पूछा गया क्वेश्चन है, तो वो चाहे जेनेटिक्स वाले क्वेश्चंस में हमने आपको उपलब्ध कराया है, आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं, सबके चैप्टर वाइज जो अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपको चैप्टर वाइज उपलब्ध हैं, आपको हमारे चैनल पे नोट्स उपलब्ध हैं, आप जाकर प्लेलिस्ट से वहाँ सर्च कर सकते हैं और अपनी तैयारी को चार चांद लगा सकते हैं। तो ऑप्शन इसका होगा डी, बोथ यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नया क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। Which one of the DNA
नाइट्रोजिनस बेस विद द सिंगल रिंग स्ट्रक्चर। डीएनए नाइट्रोजिनस बेस में सिंगल जो स्ट्रक्चर्स होता है वो कौन सा होता है? यूरिन्स, प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स, दो कंडीशंस आती हैं, प्यूरिन और पिरिमिडिन। तो इसमें क्या आता है? एजी नहीं, हाँ एजी आता है और इसमें आता है सीटी। तो बताइएगा इसमें क्या सही है। तो पिरिमिडिन्स में एक बेंजीन रिंग होता है साइटोसिन और थाइमिन। यूरोसिल पिरिमिडिन क्षार हैं, साइटोसिन और थाइमिन और यूरोसिल और पिरिमिडिन क्षार हैं। प्यूरिन में दो बेंजीन रिंग होते हैं, एडनिन गुआनिन प्यूरिन क्षार हैं। तो इसका ऑप्शन होगा बी, थाइमिन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। तो इसका हम पूरा क्वेश्चंस पूरा पहले ले लेते हैं तो थोड़ा सा समझने में आराम रहेगा। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस, सूत्री विभाजन प्रक्रिया के दौरान टू आइडेंटिकल डॉटर सेल आर फॉर्म्ड, फोर आइडेंटिकल डॉटर सेल आर फॉर्म्ड, फोर आइडेंटिकल न्यूक्लियाई आर फॉर्म, टू आइडेंटिकल न्यूक्लियाई आर फॉर्म। तो इसका सही आंसर 20 का क्या होगा? तो 20 का होगा टू आइडेंटिकल डॉटर सेल। किसकी बात कर रहा है? मियोसिस, माइटोसिस। माइटोसिस में क्या होता है? दो सेल्स बनती हैं। देखिए माइटोसिस और मियोसिस में अंतर क्या? तो मियोसिस में चार बनती हैं और उनमें क्रोमोसोम की संख्या हाफ हो जाती है, और इसमें माइटोसिस में सेम टू सेम बनती हैं और क्रोमोसोम की संख्या सेम टू सेम रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नया क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। नया क्वेश्चन कह रहा है, राना टिग्रीना बिलोंग टू द ऑर्डर। राना टिग्रीना किस ऑर्डर को बिलोंग करता है? बताएगा। तो 21 का जो सही आंसर क्या है? एन्यूरा। क्या है सही आंसर? एन्यूरा ऑर्डर की पूछ रहा है। तो इसका जो कॉर्डेटा और एम्फीबिया और ऑर्डर एन्यूरा और जीनस राना और स्पीसीज टिग्रीना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नया क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन जैसा कि आप पहला देख रहे हैं, एंजाइम हिंड सेकेंड वाज आइसोलेटेड फ्रॉम। तो हिंड का मतलब क्या हुआ है? यच कहीं से शुरू है पहला, तो ये हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। तो ऑप्शन इसका ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नया क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। नया क्वेश्चन कह रहा है, व्हेन ए ग्रेप इज प्लेस्ड इन कंसंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन व्हेन विल बी। तो चूंकि ग्रेप है तो वो सिकुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा? सिकुड़ जाएगा। किसके कारण? प्लाज्मोलिसिस के कारण। तो उसमें क्या होता है? एक्सोप्लाज्मोलिसिस होता है। तो 23 का जो सही आंसर होगा वो होगा सी। एक होता है, देखिए एक्टो और इंडो होती है, अगर हम कंसंट्रेशन सॉल्यूशन कम रखेंगे और किशमिश को अगर पानी में रख दें तो वो पानी को एब्जॉर्ब करके फूल जाएगी। यदि नमक के घोल में रख दें हम आपको, या चीनी के घोल में अंगूर को रख दें, तो क्या होगा? अंदर पानी बाहर आ जाएगा और वो सिकुड़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नया क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक ब्रायोफाइट डिफर फ्रॉम द ग्रीन एल्गी। किस बेस पे ब्रायोफाइट ग्रीन एल्गी से अलग होता है? फोटोसिंथेटिक फिगमेंट क्लोरोफिल ए एंड बी, नेचर ऑफ फोटोसिंथेसिस, स्ट्रक्चर ऑफ गैमेटेंजिया, मेल मोटाइल सेल प्रोड्यूस्ड बाय रिप्रोडक्टिव फेज। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो 24 का जो सही आंसर होगा वो होगा सी, स्ट्रक्चर ऑफ गैमेटेंजिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नया क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। इफ द सोमैटिक क्रोमोसोम नंबर इन साइकस इज 2n, व्हाट विल बी नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन एंडोस्पर्म। तो वो क्या होगा? यहाँ 2n दिया है तो वो होगा हैप्लॉइड। चूंकि जो एंडोस्पर्म इसका बनता है वो बिफोर फर्टिलाइजेशन बनता है, इसलिए एकदम हैप्लॉइड होता है। और जो एंजियोस्पर्म का कैसा होता है? ट्रिप्लॉइड होता है। तो ऑप्शन इसका ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नया क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। बिसाइड
सिनकोना द ड्रग फ्रॉम मलेरिया इज ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम, तो सिनकोना से क्या लिया जाता है बताइएगा। सिनकोना द ड्रग मलेरिया इज ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम बताइएगा। रॉल्फिया, रॉल्फिया नहीं है। एटिमीसिया या सिनोमनम, तो इसका 26 का सही आंसर क्या है, तो 26 का सही आंसर है बी, आर्टिमिशिया से भी, ध्यान रखिएगा आर्टिमिशिया से भी प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए हम आपको फिर बता दें, सिनकोना जो दवा होती है, एक तो वो छाल से प्राप्त की जाती है, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, सिनकोना करके नाम होता है, और एक आर्टिमिशिया से अल्टरनेटिव प्राप्त की जाती है, ये भी ध्यान रखिएगा, आप एक उसको याद रखे होंगे मगर यहाँ इस बात को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नया क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं, विच एमोंगेस द फॉलोइंग डज नॉट अकर इन ग्राउंड नट ऑयल, इनमें ग्राउंड नट ऑयल में क्या उपस्थित नहीं पाया जाता है। एस्टिक एसिड, ओलिक, लिनोलिक, पाल्मिटिक एसिड, तो क्या नहीं पाया जाता है, तो 27 का सही आंसर है ए, एस्टिक एसिड नहीं पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही, हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट जरूर करिएगा, हमारे टेलीग्राम चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा, हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा, टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, हमारे प्लेलिस्ट से जाकर आप अपनी तैयारी को चार चांद लगा सकते हैं। शिक्षा, नमस्कार।